और झारखंड की राजधानी रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की मल्टी स्टोरी पार्किंग में कोविड यूनिट शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। यहां 327 ऑक्सीजन बेड लगाए जा रहे हैं। करीब एक हफ्ते के बाद ये कोविड वार्ड शुरू भी हो जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संजय पांडे, उनकी रिपोर्ट देखिए। पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद ही तेजी गति से फैल रहा है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में 6000 के करीब संक्रमित मिले हैं पूरे झारखंड से। वहीं बात करें राजधानी रांची से, तो लगभग 1300 के करीब संक्रमित राजधानी रांची से पाए गए हैं। इस दौरान 120 लोगों की झारखंड में मौत भी हुई है कोरोना से। आपको बता दें कि कोविड संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए रिम्स के जो मल्टी स्टोरेज पार्किंग है, वहां 300 बेड लगाए जा रहे हैं कोरोना मरीजों के लिए। इस वक्त मैं उसी मल्टी स्टोरेज पार्किंग में हूं। यहां मैं दिखाना चाहता हूं किस तरीके से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहां पे बेड लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह अस्पताल, ये जो सेंटर है, लगभग एक हफ्ते के अंदर शुरुआत हो जाएगा। यहां करीब 300 बेड लगाए जा रहे हैं। यहाँ जो पाइपलाइन से मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे जो लोग हैं युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ जब ये पूरी तरीके से यह तैयार हो जाएगा, इसके बाद यहाँ डॉक्टर्स और नर्सों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, और साथ ही इसके बाद कोविड जो मरीज हैं यहाँ अपने इलाज करवाने के लिए यहाँ भर्ती हो सकेंगे। आपको बताएं कि लगातार झारखंड में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। इसको देखते हुए राजधानी रांची, जो पूरे झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल जिसको कहा जाता है रिम्स, वहां एक मल्टी स्टोरेज पार्किंग था। वहां सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने एक 300 बेड का सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया था, जिसको देखते हुए यहाँ युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। बेड लगाए जा रहे हैं, तमाम वो सुविधा जो कोविड मरीजों को दिया जाना चाहिए उसकी व्यवस्था की जा रही है। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ मैं मनीष मिश्र, जी मीडिया, रांची। तो देश में कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार से हाहाकार मची हुई है। पहली बार एक दिन में 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए देश भर से। बीते 24 घंटे में 4,01,993 नए केस सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,523 लोगों की मौत भी हो गई है। 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। ये थोड़ी रात की बात जरूर है। और आज से देश भर में 18 से 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू कर दी गई है। दिल्ली में लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, लेकिन टीकाकरण अभियान शुरू नहीं हो सका है। देखिए इस रिपोर्ट को आप। 18 से 45 साल के उम्र के लोगों के लिए आज से देश भर में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम तो जरूर शुरू किया गया, लेकिन यहाँ सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पर किसी तरीके से जो वैक्सीनेशन नहीं होगा। ये लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तस्वीर में यह नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि 18 से 45 साल के जो लोग हैं उनके लिए प्राइवेट सेंटर पर जो है वैक्सीनेशन का होगा, या सरकारी सेंटर पर किसी तरीके से कोई वैक्सीनेशन का कार्यक्रम नहीं है, किसी तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है डोज, इस वजह से नहीं हो पा रहे। लेकिन आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग लगातार 45 से ऊपर के तो जरूर यहाँ लोग खड़े हैं। कुछ लोग जो 18 से जो 45 साल के बीच के लोग भी हैं, कुछ आए हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि दूसरी डोज के लिए लगातार खड़े हैं लोग। और 18 वाले कुछ लोग आए थे, अभी वो जा चुके हैं। फिलहाल कोई यहाँ पर 18 की उम्र के लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ जो लोग हैं वो दूसरी डोज के लिए जरूर आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि लाइन लंबी है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो चल रहा है देश भर में महाअभियान, उसमें लोग हिस्सा जरूर ले रहे हैं, लेकिन 18 से 45 ये उम्र के लोगों के लिए अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से बोर्ड चस्पा किया गया है वो प्राइवेट पर ही उपलब्ध है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही कम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो 18 से 45 के बीच के हैं, वो वैक्सीन के लिए आए हुए हैं। जिस तरीके से जो केजरीवाल ने अपील करी थी कि यहाँ पर डोज नहीं होने के कारण आज वैक्सीनेशन कार्यक्रम दिल्ली में सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पाएगा, लेकिन बोर्ड पे साफ तौर से लिखा हुआ है, बोर्ड चस्पा किया, नोटिस चस्पा किया उसमें कि 18 से 45 के जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है वो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेगी। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो महाअभियान शुरू किया गया था 18 से 45 के युवाओं के लिए, वो कितना कारगर साबित हो पाता है। सहयोगी शिवकुमार के साथ मनोहर विश्नोई, जी मीडिया, दिल्ली। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से अभिषेक जुड़ चुके हैं। ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है आज की, इन्हीं से जानते हैं। अभिषेक, आज दिल्ली में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में वही स्थिति है जो अमूमन हम रोज देखते चले आ रहे हैं। अभी मैं आरएमएल पर था, तो आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर मैं लाइव दे रहा था, तो वहां पर अचानक एक
महिला और पुरुष मेरे पास दौड़कर आते हैं लाइव के दौरान, उन्होंने कहा कि आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बताइए, तो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी का ऑक्सीजन लेवल लगातार 60 से भी नीचे चला जा रहा है और आरएमएल में ऑक्सीजन बेड नहीं है, यह ऐसा कहा जा रहा है। और लगातार यही स्थिति अमूमन दिल्ली के तमाम अस्पतालों की है, तो कहीं पर भी स्थिति अच्छी नहीं है, चाहे वो एलएनजीपी की बात कर लें, डीडीयू की बात कर लें, या फिर राम मनोहर लोहिया की बात कर लें, एम्स की बात कर लें, एम्स ट्रॉमा सेंटर की बात कर लें, कहीं पर भी अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं है। और ऑक्सीजन को लेकर भी तमाम लोग लगातार फोन करते रहते हैं कि ऑक्सीजन दिलवा दे, कहीं भी ऑक्सीजन इस वक्त मिलने की कंडीशन में नहीं है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन बहुत खास बात ये थी कि दिल्ली में पूरे देश में 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होनी थी। खास तौर पर दिल्ली की बात की जाए तो कुछ एक प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लग पा रही है, लेकिन बाकी सरकारी अस्पतालों की बात करें या जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल पाए उसकी बात की जाए तो वहां शून्य नजर आता है सब कुछ। सरकार क्या कह रही है, कब तक वैक्सीनेशन की डोजेस आ जाएंगी, कब तक लोगों के लिए वो प्रक्रिया शुरू हो पाएगी? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मैक्स के अलावा, मैक्स के एक सेंटर पे आज 18 साल से अधिक वालों का हुआ है, उसके अलावा दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में यह स्थिति देखने को नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल का बयान और उनके मंत्रालय का जो बयान है उसमें यह बार बार कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में वैक्सीन का कोटा हमारे पास केंद्र सरकार भेज देगी, लगातार केंद्र सरकार के हम टच में है, तो हो सकता है कि सोमवार से 18 साल से ज्यादा वालों के लिए सरकारी अस्पतालों में और तमाम जो प्राइवेट अस्पताल हैं जिनको वैक्सीन सेंटर बनाया गया है वहां पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाए। लेकिन आज तो ऐसी कोई एक प्राइवेट अस्पताल दो छोड़ के कहीं और ये दिखाई नहीं दिया है जो वैक्सीन का काम होना है पूरे दिल्ली में। बिल्कुल अभिषेक, देखिए वैक्सीनेशन का काम भी शुरू होना था और ये उम्मीद थी कि अब 18 से ज्यादा उम्र के जो लोग जो इस स्ट्रेन का शिकार हुए हैं, चपेट में आए हैं, उनकी जान बच पाएगी, लेकिन हर तरफ यही देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन की डोज की कमी है। कितना इंतजार और हम करेंगे, एक तरफ अस्पताल प्रशासन हर कोई बेसुध पड़ा हुआ है, दम तोड़ रहे हैं लोग यहां बद इंतजामी की वजह से, दूसरी जो वैक्सीन एक आस बंधी हुई थी वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं। बिल्कुल देखिए, वैक्सीन ही इस वक्त इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप कर सकता है और लोगों की जान बचा सकता है, ये तमाम एक्सपर्ट्स भी कह चुके हैं, डॉक्टर भी कह चुके हैं, रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर है वो भी लगातार ये बात कह रहे हैं, और दोनों डोज लेना जरूरी है। हालात इस वक्त ये हैं कि जिन्होंने एक डोज ले लिया है उनको दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा है, तमाम वैक्सीन सेंटर पर सीधे चस्पा है नोटिस कि हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं है, सुबह मैंने ये तस्वीरें दिखाई भी थी। तो अब आप सोचिए कि लगातार अगर इन चीजों के वजह से ही लोगों की जान बचनी है तो कम से कम अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल फ्रंट पे आके खेलना पड़ेगा, तब जाके ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ेगी। वैक्सीनेशन को लेकर बात होती है तो केंद्र सरकार पर डाला जाता है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर इसकी जिम्मेदारी डालती है, लेकिन आज जब से इस अभियान को बड़े पैमाने पर लागू करना था स्थिति है कि देश के कई राज्यों में आज इस अभियान को शुरू नहीं किया जा सका। अभिषेक बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। वैक्सीनेशन अभियान लखनऊ में शुरू कर दिया गया, आज से 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं युवा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग टीका भी ले रहे हैं कोरोना का। आज से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। दरअसल 7 जिले चिन्हित किए गए थे खास करके और उनमें राजधानी भी शामिल जहां पे मामले लगातार सामने आ रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात हमने की जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो कुछ लोगों के लिए शुरू कर दिया गया। दरअसल 7 जिलों में 18 से ज्यादा की उम्र वालों का आज ही टीकाकरण शुरू हो रहा है। लखनऊ के लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में हो रहे वैक्सीनेशन का जायजा लिया है जी मीडिया रिपोर्टर तुषार श्रीवास्तव ने, उनकी रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर लखनऊ के लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के वैक्सीनेशन सेंटर की है। आज से वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर के लोगों का शुरू हो चुका है। लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये वैक्सीनेशन सेंटर, इसी कमरे में वैक्सीन लगाया जा रहा है लोगों को, और उसके बाद यहाँ पर लोगों को एक बार जिसको वैक्सीन लग जा रहा है उसके बाद उसको आधे घंटे तक प्रतीक्षा कराई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन लगाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए इमरजेंसी की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा लोग अगर बात करें तो लोग काफ़ी उत्साहित हैं, लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, लोग काफ़ी देर से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम बात करेंगे सर, आज वैक्सीन लगवाने आए हैं? जी। रजिस्ट्रेशन कब किया था? रजिस्ट्रेशन हमने कल किया था। कितना उत्साहित हैं सर वैक्सीन को लेकर? रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग बहुत परेशान थे, पहले तो हो नहीं रहा था लेकिन बाद में हो गया और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ ऐसा लगा कि हम लोग कोरोना से जंग जीत गए हैं, इतनी खुशी हुई है आज। इसीलिए हम 12 से 2 का टाइम मिला था हमको स्लॉट में, मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग आए हैं, मदर को हम पहले ही लगवा चुके हैं। मैम आप भी वैक्सीन लगवाने आई हैं जी, कितनी उम्मीद है इस वैक्सीन से आप लोगों को?
उम्मीद क्या है, आगे थोड़ा सा जो कोरोना हो रहा है उससे थोड़ा सा आराम मिलेगा बचने जी। तो आप काफी उत्साहित हैं लेकर इसको जी, उत्साहित। कब आपका नंबर आएगा, क्या कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं? अभी तो हम अभी आए हैं, हाँ अभी लगने वाली है जी। लोगों को यहाँ पे इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, और लोगों की बात करें तो लोग इसको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। साफ तौर पे लोगों को कहना है कि वैक्सीन लगने का मतलब है कि वो कोरोना से जंग जीत चुके हैं। लखनऊ से जी मीडिया के लिए तुषार श्रीवास्तव। और उत्तर प्रदेश से ही खबर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा किया। यूपी के ज्यादातर कोरोना प्रभावित 7 जिलों के 75 सेंटर्स पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। सीएम योगी ने कहा 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन फ्री में लगवाएंगे, साथ ही साथ लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की भी अपील की है। और प्रदेश में हम लोग 18+ से जुड़े हुए लोगों के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी प्रारंभ कर दिया है। 18+ के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है, उसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, कानपुर और मेरठ, इन 7 जनपदों में आज हम लोग 85 केंद्र 18+ के लिए अलग से बनाए हुए हैं। सभी नागरिकों को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है।